सही है। चलो ये कहता है एबीसीडी एक ट्राइंगल है। अब यहां पे ट्राइंगल है एबीसी, रेक्टेंगल है भाई, ठीक है। एबीसीडी एज ए रेक्टेंगल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ होगा यार, ठीक है। वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, चलो तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए यार, ठीक है। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाला जाए, अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उस रेक्टेंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, ठीक है। तो याद करो आप पढ़ के आए होगे कि अगर इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 लेंथ के परपेंडिकुलर। ये रॉड ओवर रॉड जोड़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, एक रॉड के बराबर होता है, ठीक है। ये अगर इस वाली एक्सिस पर निकालूं, ठीक है, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस पर रोटेशन हो जो कि ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा, वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 12, एम बी स्क्वायर ओवर 12, क्योंकि ये कह रहा कि ऐसे ऐसे रॉड से जुड़ के बना होगा ये रेक्टेंगल, और ऐसे रॉड के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। रिंग है, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। अब रिंग के ऊपर बहुत सारा रिंग रखते जाओगे, सिलेंडर बन जाता है, तभी भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहती है ना। तो ये इसका मतलब, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ, यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। रॉड के एक एंड पर, रॉड के एक एंड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाती है, ठीक है, जो कि ज्यादा है, उससे ज्यादा है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस और इस एक्सिस में कंपेयर करोगे तो इस वाले एक्सिस पे मिनिमम आएगा इन दोनों में, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो, ऑब्वियसली लेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेंथ ज्यादा है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस पे ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू इस वाले एक्सिस से, ठीक है। लेंथ ज्यादा है तो आई वन और आई टू, तो आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, ठीक है। मतलब इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगी और इस एक्सिस पे कम आएगी। बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी कहाँ गई, ठीक है, बी सी है, तो बी सी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अगर लिखोगे यहाँ बी सी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, ये है बी सी, तो बी सी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन 3, जो कि बी सी पे लिखोगे तो एम बी, हाँ एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन 3 बी सी, समझ रहे ना। रॉड का यार, ये रॉड का ए लेंथ आ जाएगा, रॉड का ए लेंथ आ जाएगा बी, और ये बी सी, तो ये ज़्यादा ही आ रहा है यार, आउटर पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बी सी, तो ये सही नहीं है, मिनिमम निकालना है। बी डी, बी डी कहाँ है भाई, बी और डी, बी डी डायगनली, ठीक है, डायगनली मिनिमम नहीं आता है, एच एफ ई जी, ईजी, ठीक है, ईजी पे मिनिमम आ रहा है, इस वाले पे सबसे कम आ रहा है, ठीक है। एच एफ, एच एफ, एच कहाँ है, एच और एफ, एच एफ पे अभी हम कंपेयर किए, ठीक है, सबसे मिनिमम इसी पे आ रहा है क्योंकि ये ब्रेड्थ के लॉन्ग है बी, ठीक है, आई टू सबसे मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद इधर उधर जाओगे ना तो वो बढ़ जाता है। चलो कहता है एक सॉलिड स्पीयर है, जिस एक सॉलिड